सभी को जय हिंद जय भारत। आपने भर्ती रैली देखी होगी, कईयों ने दौड़ भी की है, लेकिन उनको एक पॉइंट लग जाता है गायनोइकोमेस्टिया। तो गायनोइकोमेस्टिया क्या है? दरअसल ये हमारे चेस्ट के अंदर यहाँ की चर्बी होती है। अब इसका कैसे पता करेंगे चेस्ट में चर्बी है? आप उंगलियां चुभा के देख सकते हो, पहले बहुत ज़्यादा थी इस बच्चे की, लेकिन अभी रेगुलर एक दो महीने से मेहनत कर रहा है, बहुत डाउन हुआ है। तो यहाँ देखिए, पूरी उंगली अंदर जा रही है, यहाँ जा रही है। आप इसको ऐसे पकड़ के भी देख सकते हैं, इससे भी आपको पता लगता है कि हाँ ये गायनोइकोमेस्टिया है। यहाँ से बिल्कुल अगर लूज है तो ये यहाँ गायनोइकोमेस्टिया का पॉइंट आता है। ये देखिए, अंदर तक इसमें उंगली घुस रही है, इधर भी घुस रही है। डॉक्टर सिर्फ इतना पकड़ के चेक करते हैं और उंगलियों से ऐसे चेक करते हैं और अपन को गायनोइकोमेस्टिया का पॉइंट मिल जाता है। तो अब इसको रिकवर कैसे करें, क्योंकि अगर ये आपके गायनोइकोमेस्टिया है, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एक ही होता है, आपको यहाँ से डॉक्टर कट लगाता है और यहाँ की चर्बी रिमूव कर देता है, तो वो इसका इलाज हो जाता है। लेकिन अगर इस चेस्ट पे कहीं भी कोई भी कट का निशान हुआ तो आपको आर्मी में मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब गायनोइकोमेस्टिया का देसी उपाय क्या है? तो इसका डिप्स है, डिप्स आप लगाओ अलग अलग तरह की। उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने पहले भी बहुत बनाया है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे रखे हैं, तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। और खुद का अगर आप चेक करना चाहते हो कि मुझे गायनोइकोमेस्टिया है कि नहीं, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल लूज है, एकदम लूज है। और भी आपके कोई गायनोइकोमेस्टिया से संबंधित सवाल हो, यहाँ से बिल्कुल लूज है। तो ये होता है गायनोइकोमेस्टिया। तो ये मेरे हिसाब से आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। और आपके कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और आपको भी ऐसी शिकायत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो आप जाके चेक करें। जय हिंद जय भारत।